तो हेलो गाइस, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कैसे आप लोग BOB वर्ल्ड में रजिस्टर कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो फोन बैंकिंग होता है वहां पर आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो फ्यूचर में ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो BOB वर्ल्ड में रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो, इसके बारे में ही आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है तो इस वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने देख सकते हो यहाँ पर BOB वर्ल्ड को ओपन कर लिया है डाउनलोड करके। तो देख सकते हो BOB वर्ल्ड यहाँ पर ओपन हो गया है और यहाँ पर मेरे को परमिशन मांग रहा है तो अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करने के बाद सिंपली यहाँ पर मेरे को लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज है, आपके हिसाब से आपका लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो मेरा हिसाब से मेरा लैंग्वेज में यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली इसको स्किप कर सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपली स्किप करके यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा, ऑलरेडी अ कस्टमर। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद अलाउ करना पड़ेगा, परमिशन मांग रहे हैं तो अलाउ करने के बाद यहाँ पर व्हाइल यूजिंग द ऐप, तो यहाँ पर अलाउ। उसके बाद SIM 1 और SIM 2 में से मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो SIM 1 में मेरा अकाउंट है तो SIM 1 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर आ चुका है तो सिंपली मोबाइल नंबर को कन्फर्म करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर में एक रेफरेंस ID एक OTP भेजा जाएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर डाल के वेरीफाई में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, इसको एक्सेप्ट करके प्रोसीड में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपका जो 4 डिजिट का अकाउंट नंबर और लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड वैलिड थ्रू डाल के यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आपका अकाउंट नंबर, आपका ATM का लास्ट 6 डिजिट, उसके बाद वैलिड थ्रू यहाँ पर आपको डाल के सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, तो सिंपली यहाँ पर एक्टिवेशन की जो आपका मोबाइल नंबर में भेजा जाएगा तो सिंपली उस एक्टिवेशन की को यहाँ पर डालना पड़ेगा। देख सकते हो मोबाइल नंबर में एक मैसेज आ गया है, तो सिंपली उस एक्टिवेशन की को यहाँ पर डाल के प्रोसीड में क्लिक करना पड़ेगा। तो देख सकते हो एक्टिवेशन की डाल दिया है, प्रोसीड में क्लिक करूंगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर मेरा को ट्रांजेक्शन पिन सेट करने के लिए बोल रहा है, तो सिंपली यहाँ पर ट्रांजेक्शन पिन 4 डिजिट का सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन पिन को सेट कर लेते हैं। तो उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको 4 डिजिट का लॉगिन पिन भी यहाँ पर डाल के सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन पिन के पिन डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन पिन भी डालना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो सिंपली यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया है, प्रोसीड टू लॉगिन यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जो लॉगिन पिन यहाँ पर डाला था तो सिंपली यहाँ पर लॉगिन पिन यहाँ पर डाल सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बायोमेट्रिक का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके बायोमेट्रिक भी ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर लॉगिन पिन यहाँ पर डाल दूंगा। लॉगिन पिन डालने के बाद सिंपली यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो देख सकते हो लोडिंग हो रहा है और मेरा सामने BOB वर्ल्ड यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से BOB वर्ल्ड यहाँ पर लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पर व्यू अकाउंट सारे कुछ आप देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप BOB वर्ल्ड को एक्टिवेट कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोग BOB वर्ल्ड में रजिस्टर कर सकते हो, BOB वर्ल्ड को एक्टिवेशन कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो इस वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो फ्यूचर में ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।